गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो सासाराम की फर्जी खबर कि धारा 144 लागू है, भाजपा के कार्यकर्ता पर बम चला है, न उसका जाति न वंश न गोत्र न मोबाइल नंबर आपने जारी किया, अब कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाना चाहते हैं, अवसर की तलाश में हैं। अरे बिहार की 13 करोड़ जनता को परम विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। गृह मंत्री अमित शाह जी, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, जरा बताइए कि कहां सासाराम में 144 धारा लागू है, और जरा हमें ये भी बताइए कि कौन से बीजेपी कार्यकर्ता पे बम से वार किया गया है, जरा उनका नाम और उनकी जन्म तिथि और उनकी जगह भी बता दीजिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ये हमारा कहना नहीं है, दरअसल ये गृह मंत्री अमित शाह पर ये बड़ा बयान जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का कहना है। आपको हम बताते चलें कि अमित शाह का आज बिहार में दौरा है, जहां वो सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनका सासाराम का जो जनसभा है उसे रद्द कर दिया गया और अब वो सिर्फ नवादा में ही अपनी रैली करने वाले हैं। वहीं आपको हम बताते चलें कि बीते दिनों रामनवमी को लेकर दो समुदाय के बीच जो है मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसके बाद सासाराम में 144 धारा लगाने की बात बीजेपी की तरफ से आई है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि 144 धारा जो है वो हमने नहीं लगाया है, हमने बस जो आतंक फैला रहे थे उन हिंसा को रोकने के लिए हमने बस ये अनाउंसमेंट किया था कि वहाँ पर 144 धारा लगाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर 144 धारा नहीं लगाई गई है। इसी बीच नीरज कुमार ने अमित शाह को घेरते हुए कहा है कि जरा आप मुझे बताएं कि कहां किस प्रवक्ता पर जो है बमबारी हुई है बीजेपी की, उनका नाम उनका बायोडाटा जरा दिखाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपके ही केंद्र की तरफ से यानी कि एनसीबी की तरफ से बिहार की कानून व्यवस्था की जो जांच हुई है उसमें साफ दर्शाया गया है कि यहां की कानून व्यवस्था जो है वो कितनी अच्छी व्यवस्था है। क्या कुछ नीरज कुमार अमित शाह को लेकर कह रहे हैं, पहले हम उनकी पूरी बातों को आपको सुनाएं। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो सासाराम की फर्जी खबर कि धारा 144 लागू है, भाजपा के कार्यकर्ता पर बम चला है, न उसका जाति न वंश न गोत्र न मोबाइल नंबर आपने जारी किया, अब कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाना चाहते हैं, अवसर की तलाश में है। अरे बिहार की 13 करोड़ जनता को परम विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, जिन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करके दिखाया, जिसका गवाह आपके मंत्रालय के अधीन नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े भी हैं। तो डिजिटल इंडिया वाले हैं गृह मंत्री जी, जरा आंकड़ा का अध्ययन कर करके बिहार पर आक्षेप लगाइएगा, नहीं तो आपके हर प्रश्न का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और हम लोग तो तैयार बैठे ही हैं। तो आपने सुना क्या कुछ नीरज कुमार का कहना है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ अमित शाह बीते शाम राजधानी पटना आए, राजधानी पटना आते के साथ उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, जहां पटना एयरपोर्ट पे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा उनकी जोरदार स्वागत के लिए खड़े थे। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार जो है ये बात कह रही है कि जो अमित शाह हैं वो झूठ की सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, जहां बीजेपी का कहना है कि सासाराम में अमित शाह की एक बड़ी जनसभा थी और ये जनसभा को संबोधित नहीं कर पा रहे क्योंकि सासाराम में 144 की जो धारा है वो लगा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के तरफ से ये बयान आया है कि जो अमित शाह हैं वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। यहां तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह जरा बता दें कि कहां 144 धारा लगी हुई है, जब वो जान चुके हैं कि सासाराम में जो लोग हैं भारी भीड़ वहां जुट नहीं पा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। इसी को लेकर अब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी अमित शाह पर यह बयान दिया है कि जरा आप मुझे बता दीजिए कि कौन से प्रवक्ता के ऊपर बमबारी की गई है, उनका जरा नाम उनका जरा बायोडाटा बता दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में कहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बिहार की कानून व्यवस्था पर काफी ज्यादा नियंत्रण रखी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।